इमली तला आश्रम में कब्जे को लेकर बयान हुआ। कोतवाली वृंदावन इलाके का मामला है। पुलिस ने आरोपी एक शिष्य को अरेस्ट कर लिया है। इमली तला आश्रम में कब्जे को लेकर यह विवाद हुआ। हमला करने वाले अन्य शिष्य मौके से फरार हैं। उनकी खोज की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। जमीन विवाद में साधु पर जानलेवा हमला हुआ है। गंभीर हालत में साधु को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालत बहुत गंभीर है। पुलिस ने आरोपी एक शिष्य को, यानी एक शिष्य ने अपने गुरु पर हमला किया। ये विवाद जमीन का है, जमीनी विवाद है। हमला करने वाले अन्य शिष्य मौके से फरार हैं। उनके बारे में अभी फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन एक आरोपी शिष्य को गिरफ्तार कर लिया है जो मारपीट में शामिल था। ये जानलेवा हमला है। गंभीर हालत है साधु की, जो अस्पताल में एडमिट है, और जमीन विवाद के लिए सब कुछ हुआ। पुलिस ने आरोपी एक शिष्य को गिरफ्तार किया है। इमली तला आश्रम में कब्जे को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। हमले करने वाले अन्य शिष्य मौके से फरार हैं। उनके बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी मथुरा पुलिस को नहीं लगी है, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि ये विवाद जमीन का है, ये विवाद कब्जे का है, और इसी कब्जे की वजह से शिष्यों ने अपने गुरु पर हमला कर दिया। हमला बहुत भयानक था, जानलेवा हमला था। अभी भी उस साधु की हालत खराब है। बीपी साधु के ही अनुयायी या उनके शिष्य हैं जिन्होंने तमालदास जी के साथ मारपीट किया है, जिसमें जो मेन अभियुक्त था सच्चिदानंद को पकड़ लिया गया है, और ये एक गोविंदा जगन्नाथ ये अभी फरार हैं, और इनको भी पकड़ा जाएगा। अभी कोई तहरीर नहीं आई है, जैसे तहरीर आती है मुकदमा लिखा जाएगा और सभी गिरफ्तारी की जाएगी। मोहन श्याम शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मोहन, खबर से ये क्लियर है कि जमीन विवाद की वजह से ये हुआ, कौन कौन लोग थे और अब तक कितने की गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से योगी सरकार में साधु संतों में हमले थमने का नाम नहीं ले रहे, उसी के नया हमला मथुरा के इमली तला आश्रम में हुआ है। जो वहां के मेन और अध्यक्ष ट्रस्ट के, उन पर उनके शिष्यों ने हमला किया है। जो हमलावर है उनकी संख्या इधर उनके करीब बताई जा रही है, मगर फिलहाल एक व्यक्ति गिरफ्तार किया है, और अभी कोई तहरी भी पुलिस को जो घायल विभाग है उसकी तरफ से नहीं दी गई है, क्योंकि वो उनकी हालत खराब है, गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए उनकी तरफ कोई तहरी नहीं दी गई, पर फिर भी पुलिस ने जो है एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी लोगों को तलाश की जा रही है। जी राहुल, शुक्रिया मोहन श्याम शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो जमीन विवाद की वजह से शिष्यों ने अपने गुरु पर हमला कर दिया, और ये जमीन विवाद का मामला है, आश्रम कब्जे को लेकर मामला है। तो कोरोना का आफत काल लगातार जारी है, आप लगातार खबरें देख रहे हैं। एक और भी अहम खबर है, संत कबीर नगर में प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। ट्रांजिट कैंप में प्रवासी